बट मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊं ये वाली वॉच है 1.5 लाख रुपए की। तो गाइज ये हाल हो रखा है दिल्ली का, अभी तो ढंग से मानसून आया भी नहीं है और ये हाल हो रखा है। वैसे मेरा प्लान था आज कल बाहर जाने का, मतलब सुबह से बारिश हो रही है और जगह जगह वाटर लॉगिंग इतनी हो रही है कि मेरे अभी फ्रेंड से भी बात हुई, उसके घर के वहाँ पर भी इतना पानी भरा हुआ है कि कुछ कह रहे हैं हाथ में ही। तो बाहर जाने का तो कुछ हाल दिख नहीं था बिल्कुल भी, और उम्मीद भी नहीं है कि रात तक यहाँ पर पानी उतरेगा और बाहर चलेंगे, ऐसा कोई आज का सीन है नहीं। थोड़ा यूट्यूब पर कंसिस्टेंट होना था और सारा सारा पानी भर चुका बारिश की वजह से, तो सोचा आज घर पे रह के ही व्लॉग बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे पास एक्चुअली बहुत से सेक्शन में आपके मन में जो भी डाउट होंगे कि अगर आपको भी वो चीज़ परचेज करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगा किस रेंज में आपके लिए बेस्ट वॉचेस आपको मिल पाएगी और कहाँ से मिल पाएगी। वैसे बच्चों के यहाँ भी शाम के 4:30 और जस्ट ख़त्म करी है मैंने अपनी क्लास और सीधा मैं आप लोगों को मिलता हूँ रेडी होके और फिर दिखाता हूँ अपनी वॉचेस मैं आप लोगों कलेक्शन। सो गाइस फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी और ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिले होने वाली है आने के लिए, क्योंकि बेसिकली मैं अपनी वीडियोस सुबह 6 बजे अपलोड कर देता था बट कोई सॉफ्टवेयर के इशू के चक्कर में मैंने ये वाली वीडियो मतलब रात को अभी 8 बजे मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ। सो अभी टाइम हो चुका है 5:24, यूजली मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ 6 बजे बट ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिले होने वाली है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना दिस टाइम। वैसे तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपनी सेकंड डे मतलब डेली, मतलब हर 2 दिन बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ सुबह 6 बजे, बट अब से वीडियो मेरी आएगी 12 बजे से 1 बजे के बीच में दोपहर में। और बिना देर करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो जो इस चैनल पे मेरे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखने से पहले, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वॉचेस की, क्या क्या प्राइस रेंज रहती है वॉचेस की और कहाँ कहाँ से मैंने परचेज करी है, क्या क्या वारंटी आती है। आपके मन में भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, जितना मेरे से ज़्यादा पॉसिबल सॉल्व हो पाएगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अब बिना देर करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को वॉच दिखाने जा रहा हूँ वो ये वाली वॉच है। ये वाली वॉच मैंने अपने ब्रदर को कह के मंगवाई थी सिडनी से, मेरा एल्डर ब्रदर सिडनी में रहता था वहीं से मैंने ये वाली वॉच मंगवाई थी। तो आई गेस ये वाली वॉच की कॉस्टिंग थी $30 to $40 जो कि करीबन पड़ती है 1800 से 2000, जो कि सबसे चीप रेंज की वॉच है मेरी कलेक्शन में। और ये वाली वॉच की कुछ खासियत ऐसी है कि ये वाली वॉच चलती है पल्स से, इसको रिस्ट पे वेयर करना पड़ता है और रिसेंट टाइम सेट करना पड़ता है। ये वाली वॉच बहुत ही रेयर वेयर करता हूँ मैं क्योंकि ओल्ड स्कूल वॉच है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को इतना ज़्यादा पहनना पसंद नहीं, कभी कुछ पहनने का मन नहीं होता, खाली रिस्ट लेके जाने का मन नहीं होता कहीं पे भी, तो ये वाली वॉच मैं तभी वेयर करता हूँ। इसके बाद मूव करते हैं अपनी अनदर वॉच पे। सेकंड जो दिखाने जा रहा हूँ मैं ये वो ये वाली वॉच है जो कि मैंने परचेज करी थी 2015 में। और ये वाली वॉच की कुछ खासियत ये है, कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा ने ये वाली वॉच पहनी थी, तो तब से ही मेरे को ये वाली वॉच पसंद थी। तो 2015 में मैंने ये वाली वॉच परचेज करी और करीबन इसकी कॉस्टिंग थी 12,500 रुपये। अभी भी ये कुछ आती है वॉच, डायल सेम होता है इसका और यहाँ पे जो क्रोम फिनिश है सेम रहती है गोल्डन कलर में, बट जो इसके स्ट्रैप है ये है रबर के, बट जो अब स्टेप आते हैं वो चेन वाले स्टेप आते हैं इवन इन बॉयज और इन गर्ल्स। देखा होगा कि सारी वीडियोस में मैंने ये वाली वॉच ही वेयर करी है क्योंकि कैजुअल में बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो स्वेट अब्जॉर्बिंग है ये, इसके जो ये है ये कुशंस हैं, इससे मतलब ज्यादा इचिंग भी नहीं होती स्किन में, अगर गर्मियां हों या सर्दियां हों तो इचिंग नहीं होती इसमें से। अपनी अनदर वॉच पे जो कि सेम ही रेंज की वॉच है वो है ये कैसियो की वॉच, ये कुछ चेन लुक में है कैसियो की वॉच
और ये भी मैंने परचेज करी थी कमला नगर से, इसकी भी नियर अबाउट कॉस्टिंग रहती है 15 से 18 हजार रुपए की। मैंने ये वाली वॉच परचेज करी थी और चेन वाली वॉच है और कैसियो ब्रांड की है ये वाली वॉच। अब मूव करते हैं अपनी थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले अपनी ये टिसॉट की वॉच। जो ये टिसॉट की वॉच है, ये कुछ वॉच ऐसी वॉच है कि ये है थोड़ी एक्सपेंसिव टिसॉट की, ओरिजिनल टिसॉट है ये। ये मैंने परचेज करी थी करीबन 45 हजार रुपए की। ये वाली वॉच मैंने परचेज करी थी और कमला नगर से मैंने परचेज करी थी। मोस्टली जितनी भी मेरी वॉचेस हैं मैं कमला नगर से ही परचेज करता हूँ, मेरे घर के पास है और वहाँ पे सारी कलेक्शन मिल जाती है मेरे को वॉचेस की। और टिसॉट कंपनी की वॉच है, थोड़ी फॉर्मल लुक में ये वाली वॉच आ जाती है। गोल्ड इसका डायल है, वाइट इसके मतलब जो इनसाइड है वो वाइट है इसका बैकग्राउंड, और ये इसका जो स्ट्रैप है थोड़ा फॉर्मल लुक में आ जाता है, तो फॉर्मल वॉच है ये वाली विदाउट चेन में और लेदर फिनिश में ये वाली वॉच है 45,000। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं एक और वॉच जो कि सेम ही रेंज की है, वो की है सीको की ये वाली वॉच। ये मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज करी है सीको की लॉकडाउन से पहले, और इसका भी प्राइस 42,000 से 45,000 रुपीज़ के बीच में है। चेन वाली है, थोड़ी प्रीमियम क्लास प्रीमियम लुक हो जाती है इसकी वॉच की। गोल्ड डायल रहता है, ब्लैक इसका मतलब चेन स्ट्रैप रहता है, और अभी अभी रिसेंटली ही परचेज करी है कमला नगर से ही मैंने। तो स्मार्ट वॉचेस में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले अपनी एप्पल वॉच का। एक बार मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरी एप्पल की स्मार्ट वॉच। ये मैंने परचेज करा था यूनिकॉर्न पैसिफिक मॉल से और इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी 45,000। नाइकी एडिशन है ये वाला। और इसके साथ एक मेरे को नाइकी का ही बैंड भी मिला है। ये तो ओवर द ऑल ये वाला स्टेप लगा कर देते हैं एप्पल वाले। वेल एप्पल के प्रोडक्ट्स का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने ये वाली भी परचेज करी थी। अब मेरा प्लान बन रहा था कि ऑलवेज ऑन वाली जो सीरीज 5 आई है या सीरीज 6 आई है तो वो लेने का, बट अभी कुछ ऐसा बजट बन नहीं पा रहा। वो भी लेके आऊँगा तो उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं आपको लोगों करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक अरमानी की, एम्पोरियो अरमानी की मैंने वॉच परचेज करी थी 2019 में। ये वाली वॉच की कॉस्टिंग थी 35,000 रुपीज और ये वाली वॉच है एक्चुअली अभी इसके अंदर मतलब चार्जिंग इसकी लो हो रखी है। एंड्रॉइड बेस ये वॉच है। वेल ये मतलब इसका एक सॉफ्टवेयर मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है ये वॉच यूज करने के लिए। ये अभी थोड़े मतलब हैंग कर रही है क्योंकि ओएस एंड्रॉइड बेस है, एंड्रॉइड बेस तो थोड़ी हैंग करती है वॉच। ये कुछ वॉच है एम्पोरियो अरमानी की। ये मैंने आपको बताया 3500 की परचेज करी थी कमला नगर में, समय वॉचेस है वहां से ही मतलब मोस्टली मैंने अपनी सारी वॉचेस परचेज करी है। तो ये थी मेरी वॉचेस की कुछ कलेक्शन। आई होप आप सभी को मेरी वॉचेस की कलेक्शन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।